Hello viewers, my name is Dipanshu and welcome to the Learnology coding. So last video में आपने देखा कि one to many line के अंदर add a section and add a note का option कैसे add करते हैं and इस video में हम देखेंगे कि हम अपने tree view के record को कैसे draggable बना सकते हैं या फिर हम कैसे उसे ऊपर या नीचे shift कर सकते हैं. So draggable करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक widget लगाना होता है और उस विजेट को हम एक फील्ड के अंदर लगाते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होता है. तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा नॉर्मल ट्री व्यू कैसा होता है. अभी ये हमारा नॉर्मल ट्री व्यू है, इसे हम कहीं भी ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते और ये वन टू मैनी का ट्री व्यू है, इसे भी हम ऊपर नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते. तो हम यहाँ पर एक लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन बना सकते हैं या एक बटन बना सकते हैं, बटन टाइप का विडजेट बना सकते हैं जिससे हम ऊपर नीचे से ड्रैग कर सकते हैं. तो उसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक फील्ड बनाएंगे, सपोज सीक्वेंस, और जो कि इंटीजर टाइप का होगा. स्ट्रिंग सीक्वेंस एंड इसको हम व्यू में लगा देंगे. ट्री व्यू के अंदर हम इसको स्टार्टिंग एंड लास्ट दोनों में से किसी भी पोजीशन पर लगा सकते हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग में लगाएंगे जिससे कि हमारे व्यू थोड़ा अच्छा लगे. तो अभी हमें यहाँ पर हमें एक ड्रैग करने का हमें ऑप्शन मिल गया, इसे हम कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी रिकॉर्ड को ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं हम किसी भी रिकॉर्ड को अपने. सेम इसी तरह से हम वन टू मैनी के अंदर ट्री व्यू को ड्रैग करने के लिए एक ऑप्शन दे सकते हैं. यहाँ पर अगर हम ऐड लाइन करेंगे, कोई भी रिकॉर्ड बनाएंगे, अभी यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा ड्रैग करने का. सपोज़ हमें यहाँ भी करना है तो हम सेम वन टू मैनी की क्लास के अंदर एक फील्ड बनाएंगे इंटीजर टाइप का, एंड इस फील्ड को हम व्यू में लगा देंगे वन टू मैनी फील्ड के अंदर फॉर्म व्यू में अपने. तो यहाँ पर हम लगा देंगे यहाँ पर भी विडजेट लगाएंगे हम हैंडल. अब यहाँ पर हमें भी हमें ऑप्शन मिल जाएगा ड्रैग करने का जिससे हम रिकॉर्ड अप और डाउन कर सकते हैं शिफ्ट. अगर हम एक और रिकॉर्ड ऐड कर लेंगे यहाँ तो उसे भी शिफ्ट कर सकते हैं हम. तो हमारा ड्रैग करने का यह फायदा होता है कि हम किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी पोजीशन पर एडजस्ट कर सकते हैं. So thank you, and if you have any question just drop me a comment in comment box.